नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में इको टूरिज्म को लेकर। बिहार में कई ऐसी जगह हैं जो कि ऐतिहासिक तो है ही, साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब बिहार सरकार इन स्थलों को विकसित करने पर विचार कर रही है, साथ ही साथ यह भी काम शुरू कर दी गई है ताकि जो है आने वाले दिनों में पर्यटन को और भी विकसित किया जा सके। बता दें कि बिहार सरकार पिछले कुछ सालों में पर्यटन को लेकर काफ़ी सजग दिख रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में स्थित ऐतिहासिक और पर्यटन युक्त स्थलों को विकसित करना शुरू कर दिया है। वह चाहे नालंदा हो या फिर रोहतास या बांका या अररिया, बिहार सरकार इसी कड़ी में अब जमुई को भी टूरिज्म का हब बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज, ट्रैकिंग रूट, गेस्ट हाउस जैसे तमाम सुविधाएँ विकसित करने जा रही है। बिहार सरकार की वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इको टूरिज्म के तहत जमुई में टूरिज्म को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए झाझा प्रखंड के नकटी पक्षी आश्रयनी, खैरा प्रखंड के कुंडा ग्राम जन्मस्थान और पंचभूर झरना, बरहट प्रखंड के पतेश्वर मंदिर के पास कनौटा पहाड़ी, चकाई प्रखंड के नरोहट झरना और झाझा के सिमुतल्ला स्थित हरदिया झरना को चिन्हित किया गया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि कुंडग्राम जन्म स्थान के समीप 1.5 किलोमीटर लंबा हैंगिंग ब्रिज यानी कि लटकता हुआ पुल बनाया जाएगा। इसके बारे में यह बताया गया है कि यह आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। इसके साथ साथ नकटी पक्षी आश्रयनी के पास 4 स्टे होम, वॉच टावर और बांस का सिटिंग स्पॉट बनाया जाएगा। साथ ही साथ पंचभूर झरना के समीप में स्थित कनौटा पहाड़ी के पास नरोहत झरना के पास ट्रैकिंग रूट विकसित करने की बात की जा रही है। इन क्षेत्रों में लोगों के विकसित हो जाने के बाद यह पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण हो जाएगा। जमुई जिले के सिकंदरा और खैरा प्रखंड के सीमा क्षेत्र में जंगल, जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मभूमि क्षत्रिय कुंड ग्राम के पास लगभग 1.5 किलोमीटर हैंगिंग ब्रिज मतलब कि लटकता हुआ पुल बनने का प्रस्ताव जो है वह भेजा जा चुका है। यहाँ पर साल 2021 में बिहार का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ था। पहाड़ों के बीच नागी और नकटी दो जलाशय लोगों को आकर्षण करती है। यही कारण है कि इन जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के इको टूरिज्म सर्किट से जोड़ने की कोशिश वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग करना शुरू कर दिया है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन स्थानों के अलावा जिले के और भी जगहों का चयन होना है, जहां पे प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता को लेकर लोगों को आकर्षित किया हो यानी कि अभी करता हो, जिसके लिए वन विभाग काम शुरू कर दिया है। इस पर जमुई जिले के वन पदाधिकारी पीयूष बरनवाल बताते हैं कि इको टूरिज्म सर्किट से जमुई जिले के अलग अलग जगहों को जोड़ना का काम जो है वह शुरू हो गया है। फिलहाल कई जगहों को चयनित किया गया है एवं पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां एक तो ऐतिहासिक भूमि रही है वो, और पर्यटन की दृष्टि से जो है वह काफ़ी एक तरह से कहने की महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में पर्यटक वहां जाएं, बिहार सरकार के राजस्व में वृद्धि हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इको टूरिज्म की बात जो है बिहार सरकार करती रही है। अगर हम बात कर ले रोहतास की, बात कर ले सासाराम की, तो ये वो जिले हैं जहाँ पर्यटक जो है अब तक जो है कम आते जाते रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है अभी इन जिलों पर भी ध्यान दे रही है। खास करके नालंदा की बात कर लें तो यहाँ तो बिहार सरकार ने सबसे बेहतरीन काम किया है। वो नालंदा खंडहर हो, राजगीर हो, स्काई ब्रिज हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर लगातार बिहार सरकार काम करती रही है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में बिहार सरकार इको टूरिज्म को लेकर बिहार को एक ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।